हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक शर्मा आप सभी का एक बार फिर से एमएनएस क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम फ्लूड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड के टॉपिक को कवर करेंगे और इस टॉपिक से हम अपने सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने प्रीवियस सब्जेक्ट जैसे कि हीट ट्रांसफर से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट और गेट 2020 की लेक्चर सीरीज अगर अभी तक आपने नहीं देखी है, उन वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में जाकर उसको आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अब फ्लूइड मैकेनिक्स की वीडियोस लेक्चर शुरू हो जाएंगे और उसके बाद उसके सभी टॉपिक्स कवर होंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लूड मैकेनिक्स में फ्लूड की प्रॉपर्टी जो कि उससे रिलेटेड होती हैं, वो होती है डेंसिटी, वॉल्यूम, मास, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक वेट। लेकिन उन सभी में सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है विस्कोसिटी। तो आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि विस्कोसिटी क्या होती है, उससे रिलेटेड लॉ जो कि था न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, और उसके वेरिएशंस, विस्कोसिटी With respect to temperature कैसे change होती है and with respect to pressure उसमें क्या effect आता है। तो ठीक है, इस lecture के through आप पूरा का पूरा viscosity concept जान जाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है Newton's law of viscosity की। Newton's law of viscosity में बोला गया था, the shear stress is directly proportional to the velocity gradient or the rate of deformation। Newton's law के according शियर स्ट्रेस जो कि डिनोट की जाती है टाउ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट को आप यहां पर कैसे शो करेंगे, तो उसको शो किया जाता है du ओवर dy। अब ये du ओवर dy क्या है, ये है शियर स्ट्रेन रेट। तो अब यहां पर आप देखिए कि वेलोसिटी चेंज हो रही है du एंड dy क्या है, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर मैंने आपको एक डायग्राम बनाकर बताया है, जिस डायग्राम में दो सॉलिड प्लेट हैं और उनके बीच में एक फ्लूड फिल किया हुआ है। ओके, तो जब अपर प्लेट पर एक फोर्स अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और उसको पुल किया जाए, एंड जो उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेट है उसको रेस्ट पर रखा जाए, ठीक है। अब जब इस फोर्स को अप्लाई किया जाएगा अपर सेक्शन से, तब होगा क्या कि इसके बीच में जो भी फ्लूड फिल किया हुआ है उस पर एक शियर स्ट्रेस अप्लाई होगा। ओके, आपने सॉलिड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा कि जब भी दो ब्लॉक्स या फिर एक ब्लॉक किसी सरफेस के ऊपर रखा होता है, ओके, और जब आप इसको पुश करते हैं यहां से किसी भी फोर्स से, तो यहां पर सरफेस और ब्लॉक के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और उस मैग्नीट्यूड को क्रॉस करने के बाद ही इस ब्लॉक की जो प्लेस होती है वो चेंज होती है अपने ओरिजिनल पोजीशन से। सिमिलर केस फ्लूड में भी अप्लाई होता है। जब आप किसी भी फोर्स को अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, तो उससे एसोसिएटेड फ्लूड, उस पर एक शियर स्ट्रेस अप्लाई होता है। तो चलिए अब देखिए, जब आपने इस प्लेट को मूव किया, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी थी v, ओके, तब इसके जो सबसे नियर अबाउट मॉलिक्यूल्स होंगे लिक्विड के, जो इस प्लेट पर ही टच होंगे, उनकी वेलोसिटी v के इक्विवेलेंट होगी, ओके, और इसके नीचे डायरेक्शन में आने से, मतलब टॉप टू डाउन डायरेक्शन में जाने पर वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी लीनियरली। तो अगर मैं आपको इसको डायग्राम से बन के बताऊं, तो ये कुछ इस तरीके से होगी, और इस पॉइंट पर जो सबसे लास्ट पॉइंट है डाउनवर्ड डायरेक्शन का, अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेट रेस्ट पर है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की जो लेयर होगी फ्लूड की, उसकी वेलोसिटी वही होगी जो सॉलिड प्लेट की होगी। और ये क्यों होता है,
ये होता है नो स्लिप कंडीशन की वजह से। नो स्लिप कंडीशन जिसको मैंने थोड़ा बहुत बताया था अपने हीट ट्रांसफर के लेक्चर में, थर्मल बाउंड्री लेयर के कॉन्सेप्ट में। तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे नो स्लिप कंडीशन इन बाउंड्री लेयर थ्योरी। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो भी मॉलिक्यूल्स की लेयर किसी भी सॉलिड सरफेस पर अटैच होती है तो उसकी वेलोसिटी वही होती है जो उस सॉलिड बॉडी की होती है। तो अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन की प्लेट रेस्ट पर है तो सबसे डाउनवर्ड डायरेक्शन का जो लिक्विड मॉलिक्यूल होगा उसकी वेलोसिटी भी जीरो होगी, और अपवर्ड प्लेट अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी वेलोसिटी जो कि अपर फ्लूइड की लेयर है उसकी भी वेलोसिटी वी होगी। अब अगर हम डाउनवर्ड डायरेक्शन से अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएं तो वेलोसिटी की वैल्यू लीनियरली इंक्रीज होते जाएगी। इतना आपको बात यहां पर क्लियर है? आपने ये ऑब्जर्व किया होगा जब आप किसी कार से अपने हाथ को बाहर निकालते हैं और कार की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो आपके हाथ की जो डायरेक्शन होगी उसमें एक फोर्स अप्लाई होता है और वो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है। सिमिलर कॉन्सेप्ट होता है फ्लूड में भी। जब आप दो लेयर्स के बीच में कोई भी मूवमेंट क्रिएट करते हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन की लेयर और अपवर्ड डायरेक्शन की लेयर के बीच में एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ओके? और इसी रेजिस्टेंस को ही हम विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी कि ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन का पॉइंट था, ये जो पॉइंट था डाउनवर्ड डायरेक्शन का, इसने क्या किया, अपने अपवर्ड डायरेक्शन के पॉइंट को थोड़ा सा रोका और उसकी वेलोसिटी जो थी उससे वो डिक्रीज हो गई। इस फर्स्ट लेयर ने अपने अपर लेयर को रोका, रजिस्ट किया और उसकी वेलोसिटी उससे थोड़ी ज्यादा थी बट कम हो गई। और ऐसा होते होते टॉप मोस्ट लेयर पर वेलोसिटी वही होगी जो कि वहां अप्लाई की होगी, ओके? तो ये सब कॉन्सेप्ट जो मिलाकर बोला जाता है उसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, जो कि होता है टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी यू ओवर डी वाई। प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करने से एक प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट जनरेट होता है जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, और म्यू को बोला जाता है विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, एंड टाउ क्या होगा, शियर स्ट्रेस। म्यू क्या है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूड, एंड डी यू ओवर डी वाई क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो आपको ये वाली चीजें पता चल गई। अब हम देखते हैं विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है और विस्कोसिटी की चेंजेस कैसे आते हैं। यहां पर जब टाउ की बात होती है तो उस टाउ को बोलते हैं शियर स्ट्रेस, एंड उसका जो रिलेशन फोर्स से होता है वो होता है एफ अपॉन ए, और इस एफ को बोला जाता है शियर फोर्स जो कि आप अप्लाई करते हैं किसी भी बॉडी पर, ओके? तो जब शियर फोर्स, इसकी डायरेक्शन जब अगर राइट साइड है तो शियर स्ट्रेस जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, ओके? ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, इसलिए ही विस्कोसिटी जनरेट होती है किसी भी फ्लूड लेयर में, वो अपोज करती है, ओके? नाउ अगर विस्कोसिटी की बात की जाए तो विस्कोसिटी क्या होगा, टाउ ओवर डी यू ओवर डी वाई। अगर मैं आपको यहां पे यूनिट की बात करूं, यूनिट्स, यूनिट ऑफ विस्कोसिटी, तो टाउ क्या था, मैंने आपको टाउ के बारे में बताया, वो था एफ अपॉन ए, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टाउ की यूनिट हो गई। डी यू की क्या यूनिट हो गई, मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये तो विस्कोसिटी वेलोसिटी है, और डी वाई की क्या यूनिट होगी, मीटर। तो बस आप इन यूनिट को यहां रख दीजिए, देखिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर,
अपॉन मीटर पर सेकंड एंड अपॉन मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, यहां पर क्या बच गया, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड, यानी म्यू विस्कोसिटी, विस्कोसिटी की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड। और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड को, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला जाता है, पास्कल इनटू सेकंड। ये इसकी एक बहुत फेमस यूनिट है, इसको आप याद रखिए, ठीक है, पास्कल इनटू सेकंड। अब आपने जाना कि विस्कोसिटी की यूनिट क्या थी, पास्कल इनटू सेकंड। तो यहां पर एक रिलेशनशिप होता है, 1 पास्कल इनटू सेकंड इक्वल टू 10 पॉइज। और ये जो पॉइज है ये भी यूनिट होती है किसकी, विस्कोसिटी की। तो आपको आपके एग्जाम में अगर डायरेक्टली वो लोग पॉइज यूज कर रहे हैं तो आपको ये रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि 1 पॉइज इक्वल टू 0.1 पास्कल इनटू सेकंड, ओके। और ये जो यूनिट होती है वो होती है सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड, ओके। तो ये सीजीएस यूनिट हो गई और एसआई यूनिट हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई सेकंड। चलिए अब अगर मैं आपको यहां पर बताऊं कि अगर आपके जो फ्लूड है उसकी विस्कोसिटी मैंने कम कर दी तो उसके फ्लूड के फ्लो पर क्या इफेक्ट होगा, फ्लूड ज्यादा फ्लो करेगा, फ्लूड कम फ्लो करेगा। तो याद रखिएगा, अगर मैंने विस्कोसिटी कम कर दी है तो फ्लूड की फ्लूडिटी मतलब उसके फ्लो होने की प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाएगी, वो और इजीनेस से फ्लो करेगा। तो फ्लूडिटी इंक्रीज होती है विस्कोसिटी डिक्रीज करने से, ओके। यहां तक आप सब कुछ समझ में आ गया। चलिए अब मैं आपको बताता हूं एक और नया टर्म जिसका नाम है काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी किसे बोलते हैं, अभी तक हमने जिस भी विस्कोसिटी की बात की है म्यू, उसको बोला जाता है डायनेमिक विस्कोसिटी या एब्सोल्यूट विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी होता है रेशियो ऑफ डायनेमिक और एब्सोल्यूट विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, और इसको डिनोट करते हैं म्यू से, म्यू, ओके। सो म्यू इक्वल टू होता है म्यू ओवर रो। देखिए ये सब जो जनरेट की जाती हैं प्रॉपर्टीज, ये इसलिए जनरेट की जाती हैं ताकि आपकी जो कैलकुलेशन है, आपके मल्टीपल पैरामीटर्स जो होते हैं ना, उनको आप कंप्रेस कर सके और आप किसी एक वेरिएबल से ही अपने सिस्टम को डिफाइन कर सके, इसलिए ही इन पैरामीटर्स को जनरेट किया जाता है। तो देखिए आपने विस्कोसिटी की जो यूनिट थी वो पता कर ली, और जो डेंसिटी की यूनिट होती है वो होती है केजी पर मीटर क्यूब। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी की जो यूनिट निकल कर आएगी वो होगी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। अगर सीजीएस सिस्टम की बात की जाए तो सीजीएस सिस्टम में काइनेमेटिक विस्कोसिटी की यूनिट होती है स्टोक। यस, आपने सही समझा, स्टोक। और स्टोक का रिलेशन एसआई यूनिट से किस तरीके से है वो मैं आपको बता दूं। तो 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू होता है 10^4 स्टोक। आपको ये जो वैल्यू है ये आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है ना ये आपको एग्जाम में नहीं मिलेगा, ओके। तो एक हो गया आपका पॉइस और पास्कल इनटू सेकंड, एक हो गया आपका 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10^4 स्टोक। तो आपने समझ लिया काइनेमेटिक विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है, इसकी यूनिट क्या है और इसकी यूनिट के रिलेशनशिप क्या है। चलिए अब समझते हैं वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। विस्कोसिटी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर लिक्विड के केस में कुछ इस तरीके से होता है। अगर आप टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो उस लिक्विड की विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, ओके। यानी कि अगर आप किसी भी लिक्विड का टेम्परेचर राइज करेंगे तो उसके जो फ्लो होने की टेंडेंसी है
वो इंक्रीज हो जाती है। और इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि उसकी जो फ्लो रेजिस्टेंस था, विस्कोसिटी की वैल्यू थी, वो डिक्रीज हो गई है। और ये होता क्यों है? क्योंकि लिक्विड के अंदर जो इंट्रा मॉलिक्यूलर डिस्टेंस होती है ना, मॉलिक्यूल्स में इंट्रा मॉलिक्यूलर, वो कम हो जाती है टेम्परेचर राइज करने से, और उसकी वजह से जो विस्कोसिटी है वो कम हो गई और लिक्विड का फ्लो इंक्रीज हो गया। अगर हम बात करें गैसेस में, तो गैसेस में ऐसा नहीं होता। अगर गैसेस का टेम्परेचर आपने राइज अप किया है तो इसकी विस्कोसिटी राइज हो जाएगी। अब आप ये समझेंगे कि ऐसा क्यों होगा, जब लिक्विड में ये कम हो रही है तो गैसेस में बढ़ क्यों गई? तो यहां पर आपको मैंने बताया कि इंट्रामोलिकुलर फोर्स की डिस्टेंस, इंट्रामोलिकुलर फोर्स की जो आपस में डिस्टेंस होती है दो एटम में, दो मॉलिक्यूल्स की, वो कम हो जाती है। लेकिन गैसेस में कुछ अलग है। तो जब टेम्परेचर को राइज किया जाता है तो आप ये समझिए आपके पास यहाँ पे एक गैस फिल है और आपने इसका टेम्परेचर राइज कर दिया, तो होगा क्या कि इन मॉलिक्यूल्स के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाएगी और उस एक्स्ट्रा एनर्जी के आने से इनका जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा और मोशन के इंक्रीज होने से इनके कोलिजन बढ़ जाएंगे। ओके, तो जब इनके कोलिजन राइज हो जाएंगे तो ये मूवमेंट नहीं कर पाएंगे ज्यादा, और मूवमेंट ना करने से क्या हुआ, रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, और रेजिस्टेंस क्रिएट होने से विस्कोसिटी राइज हो गई। तो सीधा सा रिलेशन है कि गैस के टेम्परेचर को राइज करोगे तो विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, कितना ज्यादा रिलेटेड है वो एक दूसरे कॉन्सेप्ट के साथ, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोलिजन बढ़ेंगे, कोलिजन बढ़ेंगे तो उनके मॉलिक्यूल्स की स्पीड बढ़ने से बजाय कम हो जाएगी। कम क्यों होगी? क्योंकि बार बार वो एक दूसरे से टकराएंगे। तो आप बताइए, पहले तो वो फ्रीली मोशन कर रहे थे लेकिन आपने एनर्जी दी और उस एनर्जी से वो एक दूसरे से टकराने लग गए, एक्सीडेंट होने लगे, और एक्सीडेंट से क्या होता है, स्पीड बढ़ती है कम होती है, कम हो जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो वही हुआ, विस्कोसिटी इंक्रीज हो गई। तो देखिए, जब मैं आपको गैस की बात करूं तो गैसेस में जो रिलेशनशिप दिया जाता है, गैस में जो रिलेशनशिप दिया जाता है विस्कोसिटी का, सो म्यू ऑफ गैस यानी विस्कोसिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टी। ओके, तो टी टू दी पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है गैस में। वहीं अगर मैं म्यू की बात करूं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैसेस, तो ये क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 3/2। और ये जो रिलेशनशिप है आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इस पर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस ईयर में, और आगे भी इसके आने की बहुत अच्छे चांसेस है। ओके, तो मैंने आपको बताया म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी एंड न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू दी पावर 3/2। देखिए, इस ग्राफ से आप थोड़ा सा एनालाइज करिए कि जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तब गैस की विस्कोसिटी राइज अप होती है और लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है वो ड्रॉप होती है। ओके, तो आपको इस ग्राफ को भी थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अब हम जानेंगे कि प्रेशर पर विस्कोसिटी एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी किस तरीके से डिपेंड होती है। तो अगर मैं आपसे बात करूं विस्कोसिटी की लिक्विड में, तो ये मॉडरेटली प्रेशर तक कांस्टेंट रहती है। ओके, ये चेंज नहीं होती है। और अगर मैं गैसेस की बात करूं तो उसमें भी इसका चेंजेस नहीं होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं काइनेमेटिक विस्कोसिटी की, तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी लिक्विड के केस में तो कांस्टेंट रहती है। अगर मैं बात करूं माइल्ड प्रेशर की, जो कि एक इंडस्ट्रियल बेसिस पर जो प्रेशर यूज किया जाता है उसमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी चेंज नहीं होती है प्रेशर के अकॉर्डिंग, बट गैसेस की बात की जाए तो गैसेस में चेंजेस आते हैं। और गैसेस में चेंजेस कैसे आते हैं, अगर मैं आपको बताऊं
न्यू की वैल्यू क्या होती है? तो न्यू की वैल्यू होती है म्यू ओवर रो, ठीक है। अब आपने क्या किया, प्रेशर को राइज अप किया, प्रेशर को राइज अप करने से डेंसिटी क्या होगी गैस की, डेंसिटी बढ़ जाएगी साहब। और डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ, म्यू तो है आपका कांस्टेंट और ये आपकी बढ़ गई, तो म्यू ऑफ गैस क्या होगी, म्यू ऑफ गैस कम होने लग जाएगी। तो ये हुआ प्रेशर पे डिपेंडेंसी। आप इस रिलेशनशिप से क्वालिटेटिवली एनालिसिस कर सकते हैं बट नॉट क्वांटिटेटिवली। एंड सिमिलरली अगर आप प्रेशर को रिड्यूस करेंगे तो डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती है गैसेस की, और डेंसिटी कम होने से न्यू ऑफ गैस बढ़ जाएगी। ओके, तो ये एक क्वालिटेटिवली है, क्वालिटेटिवली एनालिसिस, ये क्वांटिटेटिवली नहीं है। ओके, आई होप आपको ये सभी कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे, विस्कोसिटी क्या होती है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, रिलेशनशिप विद टेम्परेचर क्या होता है, रिलेशनशिप विद प्रेशर क्या होता है। तो आगे वाले वीडियो में हम जानेंगे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड स्पेसिफिक वेट में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ एमिनेंस क्लासेस पर, आप सभी लोग हमें इसी तरीके से सपोर्ट एंड अपना प्यार देते रहिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि स्पेसिफिक वेट और स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप देखेंगे कि वो कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं, और उनका यूजेस हम न्यूमेरिकल बेसिस पे कैसे करेंगे। इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए अगले वीडियो में हम जानेंगे इसी टॉपिक को। तब तक आप अपनी गेट की तैयारी रखिए, और आपको किसी भी चीज में डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।